अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। तो वो एक मनु याद आ गया, एक लतीफा। थानवी साहब लिखते हैं, हमारे पीर साहब का एक जुलाहा मुरीद था। जुलाहा क्या बोला तूने? जुलाहा ये क्या है? ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कपड़े बुनने वाला। अच्छा, जुलाहा इतना मोटा वर्ड। पीर साहब की वफात के बाद उनकी कब्र पर आया, कहाँ आया? आ गया जे अबू यजीद ऊंची, और यजीद अब्बा आ गया है। एक तरफ कहते हैं जी मुर्दे नहीं देते, कहाँ आया? लगता है मुर्दे बैठे हुए हैं सारे। ये औलिया की करामत है, उनसे भी लिखवाया है। सर ये कहानी है, टोटली कहानी है, करामत है ये भी। जी शाह जी की याद ताजा भी होती है। आकर उसने क्या कहा, रोटियों को मोहताज हो गया हूँ, कंगाल हो गया हूँ, दस्तगीरी कीजिए। दस्त बाजू को कहते हैं, गीर पकड़ने को, मेरा बाजू पकड़िए, मेरी मदद कीजिए। थानवी साहब लिखते हैं, वो आया, आकर उसने कहा, कंगाल हो गया हूँ, दस्तगीरी कीजिए। आप दो ना, आप दो ना। भिखारी साला। दोस्त भिखारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। कब्र से जवाब मिला, रोजाना हमारी कब्र पर आना, पाँव की तरफ से तुम्हें रोजाना दो आने मिला करेंगे। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। उस जमाने में दो आने पूरा घर खा जाता था, खत्म नहीं होते थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दो आने, उसने कहा मैं रोज आता हूँ, मुझे मिलते हैं, मिलते। थानवी साहब नीचे लिखते हैं, ये मिन जुमला करामात के है। मेरी किताब मजारात और तबरुकात में हवाले पढ़ लेना, ये मिन जुमला करामात के। झूठ जाए लिखो जो मर्जी नाल ब्रैकटा विच, कहानियां बढ़ाओ। और 14वीं सदी में अगर तुम्हारा पीर देता है तो पीरों के पीर गौसे आजम नहीं देते। और लख लानत तेरे जम्मन पे। तू जा रे जा। यार तू कुछ